अपने एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30वें कार्यकाल के पहले बजट को लेकर प्रेसवार्ता कर बजट की जानकारी विस्तृत रूप से दी। इस दौरान प्रेसवार्ता को संबोधित कर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बजट को सभी वर्गों का कल्याणकारी बजट बताते हुए कहा कि 60 साल के बाद भारत राष्ट्र का ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 30वें कार्यकाल में पेश किया है, जिसमें युवा वर्गों, महिला सशक्तिकरण और किसानों को ध्यान में रखकर उनके हित में बनाया गया है। साथ ही क्या कुछ कहा सुनिए। पिछले 60 सालों को यदि आप देखेंगे तो 60 साल के बाद ये ऐसा अवसर आया है, काम के आधार पर, मेहनत के आधार पर तीसरी बार सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 10 साल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम किए हैं, ये उसी का परिणाम है कि पूरे देश की जनता आशीर्वाद दिए हैं और पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार काम कर रही है लोगों के कल्याण के लिए। और ये जो हमारा बजट है, सबके कल्याण की, सबके हित का ध्यान इसमें रखा गया है। दुर्ग में आवास योजना के नाम पर आयुष्मान इलाज के लिए बहुत बढ़िया योजना है। मैं समझता हूँ गरीबों के इलाज के लिए और मध्यम वर्गीय सबके लिए ये कार्ड बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हजारों लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था